भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में सर्वप्रथम आप सभी को गुरु पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए शुरुआत हमेशा की भांति कुछ सूक्ष्म क्रियाओं से, वार्म अप क्रियाओं से। दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखें, अधिक से अधिक पंजों को आगे पीछे ताने। इस प्रयास में घुटनों को ना उठने दें, रीढ़ गर्दन यथा संभव सीधी रखें, मुस्कुराते हुए करें, घुटनों के नीचे गैप ना बनने दें। बहुत सुंदर, थोड़ा उत्साह लेकर आए, पूरे प्रयास के साथ करें। वेरी गुड वेरी गुड। एक बार दायां पंजा आगे, एक बार बायां पंजा आगे, करते जाइए करते जाइए, मुस्कुराते जाइए। वेरी गुड वेरी गुड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। विनीता जी करते जाइए। अब दोनों पांव को 1 फीट खोलिए और लगाइए अपने दोनों पांव के अंगूठे आसन के ऊपर, जैसे किताब को खोलते हैं बंद करते हैं। करते जाएं जी, करिए करिए करिए, मुस्कुराते हुए करिए। वापिस आएंगे, दोनों पांव को मिलाएंगे, एक बार दाएं पांव की एड़ी शरीर से लगाएं, एक बार बाएं पांव की एड़ी शरीर से लगाएं। करें जी करें, सब लोग करें। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी का बड़ा सुंदर अभ्यास, बहुत सुंदर साधना कर रहे हैं जी। इतने बड़े योगिक परिवार के साथ कर रहे हैं जी, करते जाइए। दोनों पांव से भी कीजिए, एक साथ कीजिए दोनों पांव से, पंजों को तान कर। बहुत बढ़िया बहुत सुंदर प्रयास। हर बार एड़ी मेरे हिप्स को टच हो। आ जाएंगे वापस, तनिक विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य कर लें। दाएं पांव को उठाइए, घुटने से मोड़िए, झूला झुलाएंगे। राइट पांव को मोड़कर दोनों हाथों का स्टैंड बनाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, झूला झुलाएं। एड़ी की ऊंचाई घुटने के समान हो, सामने पंजा तना हुआ हो, कमर थोड़ी और सीधी करें जी। बहुत बढ़िया सुनीता जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। थोड़ा मस्ती के साथ, उत्साह के साथ करते जाइए। आ जाएंगे वापिस, क्रिया को करेंगे दूसरी टांग से। बाईं टांग को मोड़िए और प्रारंभ करें। सामने पंजा तना, एड़ी की ऊंचाई हमेशा कोशिश करें घुटने के समान हो, पृथ्वी के पैरेलल हो। करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया गिरजा जी, करते जाइए मुस्कुराते जाइए। धीरे धीरे आएंगे वापस, तनिक विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य करें। बटरफ्लाई करेंगे, दोनों पांव पास से पास लेकर आए, पंजों को ग्रिप करें और पूरी मस्ती के साथ घुटनों को ऊपर नीचे करें, बटरफ्लाई। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया वेरी गुड सुनंदा जी, करते जाइए। जितनी मेरी कमर सीधी होगी उतना मेरे को अधिक लाभ मिलेगा, जितनी एड़ियां शरीर के साथ चिपकेंगी उतना अधिक लाभ मिलेगा। बहुत बढ़िया सगुप्ता जी, करते जाइए मुस्कुराते जाइए। देखिए कितने भाग्यशाली हम सब सुबह सवेरे योग से जुड़ते हैं, स्नान करके जुड़ते हैं, पूरे समय के लिए जुड़ते हैं। नेचर के साथ जुड़े रहिए, करते जाएं जी करते जाएं। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, तनिक विश्राम ले।
श्वास को सामान्य करें, पांव को सीधा कर लें, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, एकदम शिथिलता, पंजे दाएं बाएं लुढ़के हुए। पद्मासन लगाएंगे जी, पहले राइट पांव को मोड़ेंगे, फिर लेफ्ट पांव को मोड़ेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लेकर गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। मन को शांत कीजिए, मन को एकाग्र कीजिए। मुस्कुराते रहिए। मन की लघु लहरियां कम हो जाती हैं जी, योग में रुचि उत्पन्न होती है। प्रभु कृपा से, गुरुजनों की आशीर्वाद से देखिए, लगातार हम योग से जुड़ रहे हैं। ये कृपा हम सबके ऊपर बनी रहे। भारतीय योग संस्थान का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बना रहे। 3 बार ओम ध्वनि, 1 बार गायत्री मंत्र, सभी का साथ चाहिए, सभी की आवाज आएगी। श्वास लीजिए, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। इसी अवस्था में बैठकर अपने शरीर को लेफ्ट और राइट में थोड़ा ट्विस्ट करेंगे। 1 बार लेफ्ट साइड, 1 बार राइट साइड, 1 बार लेफ्ट साइड, 1 बार राइट साइड। झुकाएंगे नहीं कमर को, केवल और केवल घुमाव देंगे, मरोड़ेंगे, गर्दन भी साथ साथ घूमेगी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। आ जाएंगे वापस, पांव को खोल लीजिए, थोड़ा विश्राम ले लीजिए, श्वास को सामान्य कर लीजिए, एकदम सामान्य, बिल्कुल रिलैक्स। और यहीं से बिना सहारा लिए आसन के ऊपर एक ही बार में खड़े हो जाएं, बिना सहारा लिए खड़े हो जाएं जी। 1 बार बैठ जाएं, पुनः खड़े हो जाएं जी, फिर से बैठिए, 1 बार फिर से खड़े हो जाइए। और अब हल्की हल्की जॉगिंग करना शुरू कर दें, जॉगिंग करें जी अपने आसन पर। और आगे की सुंदर कक्षा श्रीमान नीरज जी करवाएंगे। नीरज जलान जी, आगे का मार्गदर्शन। धन्यवाद सर, कीजिए जॉगिंग कीजिए, आपके शरीर की सारी शिथिलता दूर हो रही है। बिल्कुल धीरे धीरे, एक एक पॉइंट अपनी स्पीड को बढ़ाते जाइए, हाथों को भी शामिल कर लीजिए। इंजन दौड़, जिस प्रकार ट्रेन का इंजन एक हाथ आगे जाए पीछे आए, और जो पैर है आपका घुटने से मुड़ता हुआ, प्रयास कीजिए कि आपकी एड़ी हिप्स के साथ लगती चली जाए। धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाना है जी, पढ़ने दीजिए प्रभाव को घुटनों के ऊपर,
दोनों हाथों को शामिल कर लीजिए, एक हाथ आगे एक हाथ पीछे कीजिए। जिस प्रकार ट्रेन का इंजन चलता है उस प्रकार। पैर के पंजों के ऊपर उछलते जाएं। विश्राम, आ जाएंगे आसन के ऊपर, विश्राम की पोजीशन। ऊपर नीचे होती हुई श्वासों को विश्राम दीजिए। ताड़ासन का अभ्यास करने जा रहे हैं। दोनों पैर के एड़ी पंजे मिलाइए, दोनों भुजाएं उंगलियां आपस में ग्रिप करती हुई सर के ऊपर, हथेली का रुख आसमान की ओर। धीरे धीरे श्वास भरते जाएंगे और दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए पैरों की एड़ी, पैरों का मध्य भाग ऊपर तांते जाएं। ध्यान रखें मेरी दोनों भुजाएं मेरी दोनों कानों के पीछे लग जाएं। ताड़ का वृक्ष एकदम सीधा, उसी प्रकार ताड़ आसन से हमारे पूरे शरीर की अलाइनमेंट हो जाती है। हमारा पूरा दिन किसी भी पोस्चर में हम बैठे हों, शरीर की हर नस नाड़ी खींचती हुई। तानिए, खींचिए अपनी क्षमता से कुछ अधिक देने का प्रयास। कमर सीधी, गर्दन सीधी, मुस्कुराइए, चेहरे पे हल्की मुस्कुराहट बना के रखिए। धीरे धीरे वापस, दोनों हाथ सर के ऊपर, फाइनल इसका प्रयास करेंगे ताड़ासन का, पहले से ज्यादा मजबूती के साथ। भरिए लंबा गहरा श्वास, भरते हुए ऊपर तानते चले जाइए। तानिए और खींचिए, दोनों इतना खींचिए मेरी दोनों भुजाएं मेरे दोनों कानों को दबाएं। आपके फ्रोजन शोल्डर खुल रहे हैं, आपके शरीर की शिथिलता दूर हो रही है। आने वाले योग आसन के लिए आप में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। प्रयास कीजिए मेरे पैरों के घुटने ना खुले। तानिए, खींचिए और खींचिए। धीरे धीरे वापस वापस आ जाएंगे, दोनों हाथ साइडों से नीचे। मन बना लेंगे त्रिकोण आसन भाग एक, दोनों पैर कंधों से ज्यादा खुले हुए, दोनों भुजाएं मेरी दोनों थाइस के ऊपर खिंची हुई नीचे की ओर, कमर सीधी, गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कुराहट बना के रखिए। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए दाया हाथ कंधे के समानांतर, जब कंधे के समानांतर आ जाए कुछ पल रुकिए, हथेली का रुख कीजिए ऊपर की ओर, और धीरे धीरे दाई भुजा मेरी दाई कान के पीछे, कमर सीधी, गर्दन सीधी, दाई भुजा ऊपर की ओर खिंची हुई, बाई भुजा नीचे की ओर खिंची हुई, अपने बाई साइड झुकते चले जाएं। ध्यान रखें आगे तनिक भी ना झुकें। आपके दाई साइड के सभी अंग खिंचाव में, बाई साइड के सभी अंग दबाव में, आपके दिन दोनों फेफड़े प्रभावित होते हुए, दाया हाथ धरती के समानांतर झुकिए झुकिए, बहुत सुंदर। हाथों का अंगूठा उंगलियों के साथ लगा हुआ, शक्ति को बिखरने ना दें। दाई साइड से आपके लीवर
छोटी आंत प्रभावित होती हुई बाई साइड के आपसे पेन क्रियाज बहुत सुंदर तरीके से प्रभावित हो रही है, दबाव में है। धीरे धीरे वापस, बिल्कुल धीरे, जितना जैसे हम धीरे धीरे झुके थे वैसे ही वापस आना है। वापस ऊपर खींचिए, दाया हाथ ऊपर की ओर, बाया हाथ नीचे की ओर, खिंचाव बनाइए। हमारे शरीर पे विपरीत तिरछी डायरेक्शन में खुलता हुआ, और बिल्कुल धीरे धीरे दाएं हाथ को वापस लाइए। एक बार चेक कर लेंगे अपने आप को, कमर सीधी, गर्दन सीधी, पैर मजबूती के साथ आसन पे, दोनों पैर के पंजे कंधों से ज्यादा खुले हुए। धीरे धीरे बाएं हाथ को कंधे के समानांतर, जब तक मेरा हाथ कंधे के समानांतर आए, जब तक हथेली का रुख आसन की ओर रहेगा, और जब कंधे के समानांतर आ जाए तब हाथ की हथेली पलट के ऊपर की ओर। बाया हाथ मेरा बाएं कान के पीछे लगा हुआ, दाया हाथ नीचे की ओर खिंचा हुआ, बनाइए खिंचाव को। धीरे धीरे बाई अपने दाई साइड झुकना आरंभ कीजिए। मेरे दाई साइड के अंग इस टाइम दबाव में, बाई साइड के सभी अंग खिंचते हुए, दोनों फेफड़ों पे बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ। बाया हाथ धरती के समानांतर, सभी का बहुत सुंदर अभ्यास। रुकना ही आसन, धीरे धीरे वापस। धीरे धीरे वापस हाथ को ऊपर खींचिए, बाया हाथ ऊपर खिंचा हुआ, दाया हाथ नीचे की ओर खिंचा हुआ, खींचिए, बनाइए खिंचाव को। और बिल्कुल धीरे धीरे बाएं हाथ को वापस लाते हुए थाइस के ऊपर, पैरों में फासला कम कर लेंगे। ले लेंगे पोजीशन कटी चक्रासन, दोनों पैरों में 5-6 इंच का फासला कर लेंगे। लेकिन ध्यान क्या रखना है, मेरे पैर के पंजे इसमें पैरेलल समानांतर रहेंगे, बिल्कुल पंजा भी और एड़ी भी एक सीध में अपने पैरेलल कीजिए, समानांतर कीजिए। दोनों हाथ आगे की ओर खींचे हुए, अंगूठा मिला हुआ, श्वास भरते हुए जाएंगे, आश्वास भरते हुए जाएंगे दाई साइड। दोनों हथेली आपस में एक दूसरे की ओर मुंह करते हुए खींचिए। दाई कोहनी तो मेरी सीधी है, मुझे बाई कोहनी सीधी करने का प्रयास करना है। मेरे हार्ट की कोरोनरीज पे बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ, मेरी हार्ट की आर्टरीज प्रभावित होती हुई, मेरे उदर वाले भाग में जो जल तत्व होता है अग्नाशय के चारों तरफ, वो प्रभावित होता हुआ। पुरानी से पुरानी कब्ज टूटती हुई, धीरे धीरे वापस वापस। दोनों हाथ चेक करेंगे, दोनों हथेली का रुख सामने की ओर, श्वास भरते हुए बाई साइड। बाया हाथ सीधा हो गया, बाई कोहनी को सीधा कीजिए, बाई कोहनी को ज्यादा से ज्यादा आगे की ओर खींचिए। बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ, आपकी रीढ़ लचीली बनती हुई। धीरे धीरे वापस। अब इसी क्रिया को 5-6 बार पेंडुलम की तरह थोड़ा वेग के साथ करेंगे। दोनों हथेली में फासला इतना ही बना रहेगा, दाई साइड बाई साइड कहते चले जाइए जी। बहुत सुंदर सुनीता जी, बहुत सुंदर विनीता जी, सबकी का प्रयास बहुत सुंदर, जो जिन जिन का नाम डेमो पे है, बहुत सुंदर अभ्यास। चेहरे पे मुस्कान बनाए रखें,
आ जाएंगे वापस विश्राम। बहुत सुंदर क्रिया है जी, फेफड़ों के लिए, लंग्स के लिए, लंग्स के बैलून खुलते हैं। हमने क्लैपिंग पीछे की ओर करनी है जी, और कंधे मेरे, हाथ मेरे तनिक भी नीचे ना आए। क्या प्रयास है जी? दोनों हाथ सामने कीजिए, हथेली मिलाइए, जिस प्रकार नमस्कार हाथ खींचिए। अब मैंने इसी पोजीशन में, मेरे हाथ नीचे नहीं आएंगे, दोनों हाथ पीछे जाते हुए, क्लैपिंग मेरी पीछे हो आगे ना हो जी, कीजिए। दोनों हाथ खोलते हुए क्लैपिंग पीछे प्रयास कीजिए, हाथ नीचे ना आए, हाथ हिप्स के पास क्लैपिंग ना हो, दोनों शोल्डर मेरे उसी एक्सिस पे घूमे। देखिए आपके लंग्स कितने सुंदर तरीके से खुल जाती हैं। बजाइए ताली पीछे की ओर, कीजिए ज्यादा से ज्यादा। वापस आ जाएंगे, वापस विश्राम। आ जाएंगे आसन के अग्र भाग में, करने जा रहे हैं सर्वोत्तम आसन, सन सैल्यूटेशन, सूर्य नमस्कार, अपने आप में कंप्लीट योगा, 12 आसनों का समावेश। अगर सन सैल्यूटेशन हमारा अच्छे से हो जाता है तो यकीन मानिए हमारी सारी योगा का समावेश इसमें है। आसन के अग्र भाग में आएंगे, एड़ी मिलाएंगे, पंजों में फासला वी शेप बनाते हुए, दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में, दोनों हाथ के अंगूठे छाती के मध्य भाग में, हाथ थोड़े से स्लांटिंग आगे की ओर, करेंगे सूर्य देव का आह्वान। पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद माइक आपका शायद बंद है, कोई बात नहीं। ओम सूर्याय नमः, ओम मित्राय नमः। दोनों हाथ श्वास भरते हुए ऊपर, हथेली का दुख सामने की ओर खींचिए, तानिए तानिए खींचिए, श्वास भरते हुए पीछे, कंधे एक सीध में पीछे जाते हुए, सर और कंधों के साथ समानांतर, कोई ऐसा ना हो कि गर्दन पीछे चली गई, हाथ बाद में आए या हाथ ज्यादा पीछे चले जाएं। और रुकने का प्रावधान, हस्त उत्तान आसन की पोजीशन, बहुत सुंदर क्रिया। आपकी पेट के सभी अंग प्रभावित होते हुए, आपकी जठर अग्नि प्रभावित होती हुई, आपकी रीढ़ पे दबाव पड़ता हुआ, यहीं से बिल्कुल धीरे धीरे कमर के निचले हिस्से से आगे की ओर झुकना है जी। हाथ तो मेरे कानों के साथ लगे रहेंगे, एक साथ मेरे नीचे आना है और कमर की निचली गोटी से झुकना है। श्वास को छोड़ते चले जाएं, श्वास बिल्कुल खाली। दोनों हाथ की हथेली, दोनों पैरों के पंजों के दाएं बाएं, बहुत सुंदर। गिरिजा जी, सुनंदा जी, विनीता जी, बहुत सुंदर अभ्यास। माथा या नासिका घुटने पे लग जाए, घुटना तनिक भी ना मुड़े, जब घुटने मुड़ने लगे वहीं पे रुक जाएं। अत्यधिक कमर दर्द वालों के लिए निषेध। श्वास भरते हुए दाया पैर पीछे, ज्यादा से ज्यादा पीछे जाने दें। दोनों हाथ बाएं पैर के पंजों के दाएं बाएं, दाएं पैर का पंजा आसन पे, दाएं पैर का घुटना आसन को लगने को तत्पर, लेकिन आसन पे नहीं लगाना। गर्दन ज्यादा से ज्यादा उठी हुई, लघु मस्तिष्क, मेरा सर का पिछला भाग मेरी रीढ़ मूल को दबाता हुआ, हाथों का अंगूठा उंगलियों से मिला हुआ अग्नि तत्व, उसको अलग ना होने दें, ऊर्जा को बिखरने ना दें। बाई साइड के सभी अंग दबाव में, दाई साइड के सभी अंग खिंचाव में, महसूस कीजिए, अपने ध्यान को लेके जाइए, मेरे शरीर के किस अंग पे प्रभाव पड़ रहा है, अश्व संचालन पोज है ये। बाएं पैर को लेके जाएंगे, मिलाएंगे दाएं पैर के साथ, माउंटेन पोज,
पर्वत आसन, दोनों हाथों के सहारे शरीर को पीछे धकेलिए, थोड़ी कंठ कूप में धसाइए, प्रेस योर चिन अगेंस्ट योर चेस्ट, लगा दीजिए दोनों पैर की एड़ी आसन पे, बिना एड़ी को उठाए थोड़ा सा आगे की ओर, बिना एड़ी को उठाए, एड़ी उठनी नहीं है, थोड़ा शरीर को आगे की ओर ले आइए, आधा इंची एक इंची, देखिए कहाँ पे भाव पड़ रहा है, आपकी काफ मसल्स, पैरों की पिंडलियों की रस्सियों पे पड़ने वाले खिंचाव को महसूस कीजिए, एड़ी उठाते हुए प्लैंक पोज, शरीर फट्टे की तरह सीधा, राइट एंगल ट्राइंगल, दोनों हाथों के ऊपर दबाव, पैर की एड़ी से लेके सर की चोटी तक का भाग एक सीध में, दोनों हाथों के ऊपर दबाव है, आपके कंधे मजबूत होते हुए, आपके हाथों की कलाइयां मजबूत होती हुई, आपकी रीढ़ पे बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ, और यहीं से आ जाएंगे धीरे धीरे भूनमन आसन, क्रम में आएंगे पहले घुटने, छाती, माथा, नाभि वाला भाग एक ब्रिज की भांति उठा हुआ, अष्टांग प्रणाम, आठ अंक पृथ्वी पर, एक लंबी गहरी श्वास को भरेंगे, लंबी गहरी श्वास को छोड़ेंगे, सूर्य नमस्कार बीच में खाली इसी आसन में जिसमें क्षणिक विश्राम का प्रावधान, और बिल्कुल धीरे धीरे शरीर को आगे की ओर धकेलते हुए उठा देंगे अग्रभाग को भुजंगासन की पोजीशन, पैरों में एड़िया मिली हुई, कुछ साधकों की एड़ियों में डिस्टेंस आ गया है, मिला के रखिए, सभी का बहुत सुंदर प्रयास, चेहरे पे मुस्कुराहट बना के रखिए, बिना घुटनों की सपोर्ट लिए आ जाएंगे वापस हाथ पैरों के ऊपर, और वापस प्रयास कीजिए, दोनों हाथों के सहारे शरीर को पीछे की ओर धकेलते हुए, थोड़ी कंठ कूप में धसाते हुए एड़ी आसन पे ले जाने का प्रयास, सभी का बहुत सुंदर, हमने दाएं पैर से शुरुआत की थी, दाया पैर एक ही श्वास में दोनों हाथों के मध्य, पंद्रह उंगली एक सीध में, बाया पैर पीछे, अब मेरे दाई साइड के सभी अंग दबाव में, बाई साइड के सभी अंग खिंचाव में, बाएं पैर को भी ले आएंगे, मिलाएंगे दाएं पैर के साथ, पाद हस्तासन की पोजीशन, माथा घुटने पे, श्वास एकदम खाली, दोनों हाथ की हथेली पैरों के पंजों के दाएं बाएं, अब प्रयास, अब ध्यान क्या रखना है जी, मेरे हाथ और मेरे धड़ एक ही सीध में आना है, आगे की ओर हाथों को खिंचाव बनाते हुए बिल्कुल धीरे धीरे ऊपर की ओर आते चले जाएं, श्वास एक एक क्षण भरते चले जाएं, देखिए हाथ तो मेरे कानों के साथ लगे रहेंगे, वापस ऊपर तानिए, श्वास भरते हुए पीछे, वापस दोनों हाथ साइडों से घुमाते हुए, नमस्कार करते हुए, सूर्य भगवान का मनी मन धन्यवाद करते हुए आ जाएंगे आसन पे, कमर के बल, एक आध श्वासों का विश्राम, श्वास लें श्वास छोड़ें, सन सैल्यूटेशन, सूर्य नमस्कार जो हमने किया है उसका पूरा लाभ, जब भी मैं आसन करूं मेरे शरीर के किसी कोई भाग में तनाव ना हो, ढीलापन ना हो, सॉरी, और जब भी मैं विश्राम की पोजीशन में आऊं मेरे शरीर के किसी कोई भाग में तनाव अकड़न ना हो,
ले लेंगे जी पोजीशन। यहाँ से हमने खड़े होके ताड़ासन का अभ्यास किया था, हम लेट के भी ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। दोनों भुजाएं सर के ऊपर, हथेली का रुख धरती की ओर, हथेली का पृष्ठ भाग धरती की ओर, हथेली का रुख आसमान की ओर। दोनों पैर के एड़ी पंजे मिलाइए, श्वास को भरते हुए नाभि वाले हिस्से को सेंटर पॉइंट मानते हुए शरीर को दो विपरीत भागों में खींचते चले जाएं, श्वास भरते चले जाएं। और जैसे जैसे आप शरीर को तानेंगे, आप महसूस करेंगे आपका नाभि मूल रीढ़ की तरफ जाता हुआ। स्क्वीज योर बैली बटन टुवर्ड्स योर बैकबोन। वैसे वैसे आपका पेट का उदर वाला भाग दबता हुआ, आपका श्वास छाती वाले भाग में भरा जाएगा। खींचिए, तानिए, लगाइए दम, इतना दम लगाइए मेरे दोनों पैर के पंजे सीधे होके आसन पे लग जाएं। रिलैक्स, यहीं पे ढीला छोड़ देंगे। वापस श्वास को भरिए, वापस खींचिए, वापस तानिए। देखने में बहुत साधारण, बहुत सूक्ष्म, लेकिन हमारी 206 हड्डियां प्रभावित होती हुई, 206 हड्डियों के जोड़ प्रभावित होते हुए 72,000 नस नाड़ियां प्रभावित होती हुई। खींचिए, तानिए, श्वास को भरते जाएं, तान दीजिए जी, खींचिए। दोनों हाथों को ढीला ना पड़ने दें, खींचिए। और यहीं से करेंगे सुंदर नाव आसन का अभ्यास। दोनों पैर श्वास भरते हुए पीछे, और जब आगे आए तो धड़ वाला भाग, लेकिन प्रयास क्या कहना है जी, दोनों हाथ मेरी, दोनों भुजाएं मेरे कानों के साथ लगी हुई, मैंने गर्दन को झटका देते हुए नहीं उठना है। जब मैं आगे की ओर झुकू तो मेरे कमर का निचला हिस्सा, उससे झुकना है। श्वास भरते हुए मैंने पीछे जाना है, श्वास छोड़ते हुए मैंने आगे झुकना है। श्वास भरते हुए जब मैंने पीछे जाना है तो दोनों पैर के पंजे धरती पे लग जाएं, आगे जाएं तो माथा घुटने पे लग जाए। दो बहुत सशक्त आसन का इसमें लाभ मिल रहा है। आगे जाते हैं तो पश्चिमोत्तान आसन का लाभ, और जब पीछे मेरे पैर के पंजे धरती पे लग जाते हैं तो हल आसन का लाभ हमें इसमें मिल जाता है जी। कहते चले जाएं, पर कम से कम प्रयास करें 7 से 10 बार के बीच में कहने का प्रयास। आपकी रीढ़ की एक एक गोटी की मसाज होती हुई आपकी रीढ़ फ्लेक्सिबल बनती हुई। आएंगे वापस, आ जाएंगे वापस, और वज्रासन पे विश्राम। विश्राम की पोजीशन वज्रासन पे, अपने आप में सशक्त आसन। हमने विश्राम बोला है लेकिन अपने आप में बहुत मजबूत, बहुत सशक्त आसन है जी वज्रासन। खाना खाने के पश्चात कहने वाला एकमात्र ऐसा आसन जो हमारे डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर देता है। सरल शब्दों में कहें तो लक्कड़ हजम, पत्थर हजम कर देने वाला आसन। दोनों घुटने मिले हुए, पीछे से दोनों पैर की एड़ी खुली हुई, दोनों पैर के पंजे अंगूठे मिले हुए, दोनों एड़ियों के बीच में बैठ जाइए। कमर सीधी, गर्दन सीधी, आगे ना झुकें, मुस्कुराहट आनंद की विषय, योग साधना हमारे आनंद का विषय। बनाइए चेहरे पे मुस्कुराहट, मुस्कुराइए, मुस्कुराइए। बहुत सुंदर आसन, उष्ट्रासन, कैमल पोज। आ जाएंगे दोनों घुटनों के बल, दोनों घुटनों में कंधों के बराबर फासला, पीछे से पैर के पंजे भी कंधों के बराबर खुले हुए, पैर के पंजे लेटे हुए। दोनों हाथ के अंगूठे कमर की निचली गोटी पे सुंदर तरीके से मसाज करते हुए सर्कुलर मोशन में, दोनों हाथ की उंगलियां आगे की ओर कीजिए। पहले उसको मसाज कीजिए निचली गोटी की। धीरे धीरे गर्दन को ले जाना पीछे, आरंभ कीजिए। लघु मस्तिष्क, सर का पिछला भाग रीढ़ मूल की तरफ लगाते चले जाएं।
अब एक एक पॉइंट पे दबाव को बनाते हुए शरीर को दोहरा होने दें, श्वास भरते हुए पीछे जाना है, जब शरीर दोहरा हो जाए एक एक हाथ की हथेली या तो एड़ी के ऊपर और जो साधक पुराने हैं वो सिर्फ हथेली पैर के पंजों के ऊपर रख दीजिए। देखिए आपके फेफड़े इस टाइम 100% खुल चुके हैं लेकिन काम अभी आधा हुआ है जी। हिप्स वाले भाग को आगे की ओर धकेलिए। सुनंदा जी, गिरिजा जी, बहुत सुंदर। हिप्स वाले भाग को आगे की ओर धकेलिए। मेरे थाईज और मेरे घुटने 90 डिग्री का कोण बना दें। श्वास को भरिए, श्वास को छोड़िए, कम से कम 3 बार इस प्रक्रिया को कीजिए। लंबा गहरा श्वास भरा जाएगा, लंबा गहरा श्वास छोड़ा जाएगा, क्योंकि इस टाइम मेरे फेफड़े पूरे खुले हुए हैं। सुबह का पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट है। ज्यादा से ज्यादा प्राणदायिनी वायु, जीवनदायिनी वायु को इनटेक कीजिए। धीरे धीरे वापस एक एक हाथ की सपोर्ट हटाते हुए वापस कुछ पल रुकिए इसी घुटनों के बल और धीरे धीरे आ जाएंगे वज्रासन पे विश्राम। आनंद लीजिए वज्रासन का। बहुत सुंदर और बहुत सभी का बहुत सुंदर प्रयास था उष्ट्रासन कैमल पोज। हमारी रीढ़ को प्रभावित करने वाला, हमारे पेट के सभी अंग प्रभावित करने वाला, कोरोना काल में बहुत सर्वोत्तम आसन माना गया है। नित्य प्रति इसका अभ्यास जरूर करें और यहीं से आगे की आसन की श्रृंखला को पूरा करने के लिए मैं माइक दूंगा श्रीमती सीमा जी को। धन्यवाद विजय सर का, नरेंद्र सर जी का, गौरव जी का, जो मुझे मौका दिया। आप सबका बहुत बहुत आभार। सीमा जी, आगे आपका। जी धन्यवाद जी। पेट के बल लेट जाएं, शिथिल आसन दाई ओर, दाई टांग दाई भुजा सीधी, बाई टांग बाई भुजा अधमुड़ी, बाएं पैर की एड़ी दाई घुटने को स्पर्श करती हुई, बाई हथेली नासिका की सीध में दूरी भुजबली के बराबर, गहरे लंबे श्वास, दोनों फेफड़े आसन पर, इस समय हमारा बायां स्वर प्रभावित होता हुआ, भुजंग आसन के लिए स्थिति बनाएं, भुजंग आसन, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों हथेलियां थोड़ी के दाएं बाएं कंधों जितनी दूरी पर रखी हुई, शब्दों पर ध्यान दें, माथा आसन पर, निर्देश स्पष्ट मिलेगा आपको, माथा आसन पर, कोहनियां शरीर के निकट से निकट, पहले स्थिति को ठीक करें, एड़ियों में फासला, एड़ियों को मिला लें, एड़ियां मिली पंजे तने रहें। अब पहले माथे को ऊपर उठाएं और गर्दन को मोड़ते हुए सिर के पीछे वाला भाग रीढ़ पर टिका दें। अभी आपको धड़ को नहीं उठाना है, सिर के पीछे वाला भाग रीढ़ पर टिका दें। अब श्वास भरते हुए पेड़ों पर भार डालते हुए धड़ को ऊपर उठाएं। धीरे धीरे श्वास भरते जाएं, धड़ को ऊपर उठाएं। कोहनियों को भी सीधा नहीं करना है गीता जी, कोहनियों को नीचे रखें, कोहनियों को नीचे रखें, केवल धड़ को ऊपर उठाएं, सिर के पीछे वाला भाग हमारा रीढ़ पर टिका रहे, भार पेड़ों पर डालें और अधिक से अधिक धड़ को ऊपर उठाने का प्रयास करें। हथेली कोहनियों पर कम से कम भार, कोहनियों को आसन पर लगाएं, गीता जी कोहनियों को आसन पर लगाएं, शरीर से सटी रहें, भार पेड़ों पर, ध्यान हमारा विशुद्धि चक्र पर, कंठ के ठीक पीछे रीढ़ पर, इसके प्रभाव को महसूस करें। रीढ़ का ऊपरी भाग लचीला हो रहा है, सर्वाइकल भाग रक्त से पोषित होता हुआ
और लचीला बनता हुआ। एक आसन के अनेकों लाभ, महसूस करें इसके प्रभाव को। बहुत सुंदर आसन, सभी का प्रयास बहुत सराहनीय। एड़ियां खुल जाती हैं इसमें, एड़ियां खुल गई हो तो मिलाएं, तभी इसका प्रभाव सुंदर आएगा। श्वासों को सामान्य करें, रुकने का प्रयास, रुकने से ही लाभ। भुजंग आसन का अभ्यास आप सभी कर रहे हैं, बहुत सुंदर प्रयास, सरल परंतु बहुत लाभकारी। कोहनियां जिनकी दूर निकल गई हैं, कोहनियों को शरीर से सटा लें। भार कम से कम हमारी कोहनियों थैलियों पर, भार पेड़ों पर है हमारा, ध्यान रखें। सर्वाइकल दोष दूर होता हुआ रीढ़ और मस्तिष्क का जोड़ सक्रिय हो रहा है यहाँ पर, महसूस करें इसके प्रभाव को। अब ध्यान रखें, विशेष ध्यान रखने योग्य बात यह है कि आप सिर को पीछे टिका कर रखेंगे, दो भाग में आपको वापिस आना है। पहले धड़ को नीचे लाएं, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे धड़ को नीचे लाएं, अंत में माथा भी आसन पर लगा, श्वास सामान्य करें, इसी स्थिति में रहें। भुजंग आसन में आपने रीढ़ का ऊपरी भाग प्रभावित किया, अब रीढ़ के निचले भाग को प्रभावित करेंगे शलभ आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, फिर से पंजे ताने और दोनों हथेलियां जंघाओं के नीचे रखें। दोनों हथेलियां भुजाओं को सीधा करें और जंघाओं के नीचे रखें दोनों हथेलियां। हथेलियां हमारी निकट से निकट और हथेलियां हमारी ऊपर की ओर जंघाओं की ओर रहें, और भुजाएं हमारी इतनी अंदर की ओर हों कि हमारी कोहनियां पेट के नीचे दब जाएं। थोड़ी आसन पर पहले इस प्रारंभिक स्थिति को ठीक करें। श्वास हमारा सामान्य हो, चढ़े हुए श्वास में कोई क्रिया कोई आसन आपको नहीं करना है। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे पंजों को तानते हुए घुटनों को सीधा रखते हुए दोनों टांगों को एक साथ ऊपर उठा दें, धीरे धीरे बहुत धीमी गति और नियंत्रित गति से शरीर को स्थिर करते हुए ऊपर उठाएं। थाइस तक का भाग हमारा ऊपर उठ जाए, जहां तक आप उठ चुके हैं वहीं पर शरीर टांगों को स्थिर कर दें, कंपन ना हो। प्रयास करें हमारा अभ्यास इतना सशक्त हो कि हमारे पैरों में कंपन ना हो, घुटने ना मुड़े, पंजे तने रहें। ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र पर पेड़ों के सभी अंग प्रभाव में आ रहे हैं और रीढ़ का निचला भाग लचीला बनता है। बहुत सुंदर प्रभाव, रुके कुछ है, क्षमता हमारे अंदर है, हमें अभ्यास के द्वारा अपनी क्षमता को बढ़ाना है। जो ना रुक सके दो बार कर लें, लेकिन जितना रुकेंगे उतना ही लाभ। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं। शिथिल आसन बाईं ओर, इस बार बाईं टांग बाईं भुजा सीधी, दाईं टांग दाईं भुजा अधमुड़ी, दाएं पैर की एड़ी बाएं घुटने को स्पर्श करती हुई, दाई हथेली नासिका की सीध में दूरी भुजबली के बराबर। शब्दों पर ध्यान दें और उसी निर्देशानुसार करने का प्रयास करेंगे, 101% आपको योग साधना से लाभ होने वाला है। नित्य प्रति आप विजय जी के साथ साधना कर रहे हैं, बहुत सुंदर साधना सबकी। बाईं ओर शिथिल आसन करने से हमारा दायां स्वर प्रभाव में आता है, यानी सूर्य स्वर। वापिस आ जाएं, दाईं भुजा बाहर निकालते हुए पीठ के बल आ जाएं, दाईं भुजा बाहर निकालते हुए पीठ के बल आ जाएं। पादुत्तान आसन के लिए स्थिति बनाएं। पादुत्तान आसन, एड़ी पंजे मिला लें, पंजे ताने और दोनों भुजाओं को सिर के पीछे ले जाएं। हथेली कोहनियों का पृष्ठ भाग आसन से लगा हुआ, दोनों भुजाओं में कंधों के बराबर दूरी, पंजे तने हुए, एड़ियों को थोड़ा सा ऊपर उठाएं और आसन के अंत तक उठाए रखें, थोड़ा सा ऊपर उठाएं।
अब दाई टांग और बाई भुजा ऊपर ले जाएं, श्वास भरते हुए दाई टांग बाई भुजा ऊपर, शरीर सध जाए हमारा, दाई टांग ऊपर की ओर खींची हुई, बाई भुजा खींची हुई, बाई टांग जो नीचे है वो भी उसकी एड़ी उठी रहे और खींची रहे, पंजे तक तनाव बना हुआ। रुके कुछ क्षण, कोलन प्रभाव में आ रहा है, दाई टांग उठाने से जो ऊपर की ओर हमारी बड़ी आंत जाती है वो प्रभाव में आ रही है। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस जो कर सकते हैं दूसरी एड़ी को नीचे ना रखें, अब बाई टांग दाई भुजा ऊपर, अगर पूरा लाभ लेना है तो एड़ियों को उठा कर करें, बाई टांग दाई भुजा ऊपर ले जाएं, घुटना सीधा करने का प्रयास, पंजा तना हुआ। रुके कुछ क्षण, जठराग्नि तीव्र, पाचन सुदृढ़, सभी पाचन अंग प्रभाव में ध्यान मणिपूरक चक्र पर। रुके कुछ क्षण, इसके प्रभाव को महसूस करें, बहुत सुंदर प्रभाव, पेट के सभी रोग दूर। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आए, प्रयास करें हमारी साधना इतनी हो कि एड़ियां नीचे ना लगें, आसन के अंत तक हम एड़ियों को उठा कर रखें। कुछ क्षण रुकें और अब श्वास भरते हुए दोनों टांगों को सीधा रखते हुए दोनों हाथ, दोनों भुजाएं और दोनों टांगों को एक साथ ऊपर उठा दें, पादोत्तानासन की पूर्ण स्थिति में आ जाएं, घुटने सीधे, पंजे तने हुए, हथेलियां और पंजे एक समानांतर हमारे। बहुत सुंदर प्रयास विनीता जी का, गिरजा जी का, नित्य प्रति हम देखते हैं आपका अभ्यास, निरंतर आप नियमित रूप से साधना कर रहे हैं। रुके कुछ क्षण, बड़ी आंत का तिरछा प्रभाव, तिरछा भाग प्रभाव में आता हुआ, श्वास सामान्य, रुकने की स्थिति में श्वास सामान्य हो, सिर सुखम आसन वाली स्थिति बन जाए, आसन की पूर्ण स्थिति से वापस आने का मन ना करे, शरीर स्थिर और मन को प्रसन्नता हो रही है। बहुत धीमी गति से पैर और हाथ एक साथ वापस लाएं, एक साथ धीमी गति से हाथ और पैरों को एक साथ वापस लाएं, वापस आते समय भी घुटने ना मुड़ें, दोनों भुजाओं को वापस ले आए, शव आसन में क्षणिक विश्राम करें, शव आसन में आ जाए, दोनों भुजाओं को वापस ले आए नीचे, शव आसन में शरीर को ढीला छोड़ दें। जैसे ही हम शरीर को ढीला छोड़ते हैं किसी आसन के बाद, शरीर को विश्राम मिलता है, अगले आसन के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं और हमारे आंतरिक अंग रक्त से पोषित हो जाते हैं। बहुत सुंदर प्रयास आप सभी का, पादोत्तानासन आपने बहुत सुंदर किया। एक आसन और करते हैं, कंधरा आसन, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, घुटनों को मोड़ लें, पैरों में थोड़ा फासला बनाकर रखें, पंजों में फासला बनाएं और दोनों हथेलियों को पलटकर एड़ियों के पास रख लें, एड़ियों के पास रखें, श्वास सामान्य हो हमारा ध्यान रखें। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे पेड़ को अधिक से अधिक ऊपर उठा दें, श्वास भरते जाएं, पेड़ को धीरे धीरे ऊपर उठाते जाएं, झटका बिल्कुल ना लगे, देखें ध्यान से करें, झटके से नहीं जाना ऊपर। रीढ़ के आसन होते हैं, बहुत धीमी गति से आप आंतरिक अंगों को प्रभावित कर रहे होते हैं, आनंद लेते हुए सभी क्रियाओं को करें, आसनों को करें और उनका पूरा लाभ उठाएं। रुकें कुछ क्षण इसी स्थिति में, हृदय फेफड़े पुष्ट हो रहे हैं हमारे, रीढ़ का निचला भाग, पेड़ू वाला भाग, सभी प्रभाव में साधना को निरंतर आगे बढ़ाते जाएं। रुकें रुकें और रुकें, बहुत सरल आसन है लेकिन लाभ बहुत अधिक। बहुत धीमी गति से धीरे धीरे वापिस आए, दोनों टांगों को सीधा करें, पुनः शिथिल आसन में विश्राम करें, ढीला छोड़ दें शरीर, विश्राम की स्थिति आते ही संपूर्ण शरीर ढीला, दोनों एड़ियों में सीधा जनक फासला, पंजे बाहर की ओर लेटे हुए मगर ढीले, दोनों भुजाएं शरीर के समानांतर, शरीर से कुछ हटी हुई,
हथेलियां ऊपर की ओर, उंगलियां सीधी, आंखें कोमलता से बंद, विश्राम की स्थिति, शरीर के साथ साथ मन का भी विश्राम। अभी आपने बहुत सुंदर आसनों का अभ्यास किया, उससे लाभ उठाया, अब शरीर को विश्राम देना है शव आसन में। दृष्टा की भांति अपने शरीर को नीचे से ऊपर तक देखें, फिर ऊपर से नीचे, श्वास लेते समय पैरों से सिर की चोटी तक और श्वास छोड़ते समय सिर की चोटी से पैरों तक संपूर्ण शरीर का मानसिक अवलोकन करें। दृष्टा की भांति अपने संपूर्ण शरीर को देखें और शिथिल करते जाएं। अभी आपने आसनों का अभ्यास कर शरीर में स्थित सभी प्रणालियों को सशक्त बनाया, ग्रंथियों का श्राव नियंत्रित हुआ, सभी आंतरिक अंग रक्त से पोषित हुए। योग साधना जीवन बदल जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन योग संस्थान के सभी गुरुओं का नमन। बहुत सौभाग्यशाली हम सब, योग संस्थान से हमारा जुड़े, हम लोग सभी जुड़े, योग साधना से जुड़े। निरंतर योग साधना करते करते जीवन बदल गया। इसको अपने अंदर महसूस करें। शुभ संकल्प करें, नित्य प्रति योग साधना करने का संकल्प लें और योग से प्राप्त शक्तियों का प्रयोग निस्वार्थ भाव से कार्य करने में लगाएं, सृजनात्मक कार्य करने में लगाएं, योग विस्तार के कार्य में लगाएं। योग संस्थान का धन्यवाद करें जिनके कुशल निर्देशन में हम सभी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। दाई करवट लें और उठ बैठें। सभी ने आसनों का बहुत सुंदर अभ्यास किया। इस आनंद को अपने हस्ती के रूप में महसूस करें। करेंगे मधुर हसी। भाग दौड़ के जीवन में व्यक्ति हंसना भूल गया है। इतना तनावपूर्ण जीवन है, भौतिक सुख के पीछे भागते भागते अपने आनंद को खो बैठा है। करें मधुर हसी, प्रारंभ करें। एक बार और हंसे, जोर से हंसे। इस हंसी शांत हो जाएं, इस हंसी के प्रभाव को अपने अंदर महसूस करें। रोम रोम खिल जाता है, हमारा सारा तनाव दूर हो जाता है। अब योग साधना का दूसरा चरण प्राणायाम। प्राणों के प्राण शक्ति को अर्जित करने जा रहे हैं प्राणायाम के द्वारा। बैठ जाएं अपनी सुविधा अनुसार, सुख आसन, सहज आसन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन, जिनका पद्मासन लगता है अवश्य पद्मासन में बैठें और पद्मासन में बैठ प्राणायाम करने का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। प्राण हमारे जीवन का आधार है, वायु की अंतरंग शक्ति है प्राण। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, मुख पर प्रसन्नता का भाव, बिल्कुल शांत चित, शरीर स्थिर है हमारा, सूक्ष्म शरीर का शुद्धिकरण करेंगे, यानी मन का शुद्धिकरण। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करें। पहले श्वास को भरें और छोड़ दें। ये सामान्य श्वास हुआ। अब नासिका द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शने शने गहरा श्वास भरें। विसर्जन अंगों को संकुचित करते हुए मूल बंद लगाएं। धीरे धीरे श्वास को नासिका द्वारा छोड़ना प्रारंभ करें। पेट की मांसपेशियों का संकुचन करते जाएं। अंत में इतना पेट को संकुचित करें कि नाभि मूल रीढ़ से लगे। ये एक आवृत्ति हुई।
करें इसकी कुछ आवृत्तियां, जुड़ें श्वासों से, अधिकाधिक श्वास को भरें, अधिकाधिक छोड़ें। गहरे लंबे श्वास, जीवनदायी श्वास, आयु वर्धक श्वास। करते जाएं गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। वापिस आएं, श्वास सामान्य करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए स्थिति बनाएं। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में बाएं घुटने पर रखा हुआ, दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। दाएं हाथ की पहली दो उंगलियां अंगूठे की गद्दी पर रखें, अंतिम दो उंगलियां आपस में मिली हुई। ओहनी को मोड़ते हुए अंगूठा दाई नासिका पर रखें, अनामिका बाई नासिका पर। अंगूठे से धीरे से दाई नासिका बंद करें, अनामिका हटाते हुए गहरा श्वास भरें। मात्रा या गिनती का सहारा लें ताकि श्वासों की श्वास हमारे समान हो, समान मात्रा में हो, समान अनुपात में हो। बाएं से भरें, दाएं से छोड़ें, दाएं से भरें, बाएं से छोड़ें, समान अनुपात में श्वास भरना, अनुलोम विलोम, विशेष ध्यान रखें। मूल बंद लगा हुआ, करते जाएं 2 मिनट तक अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। श्वास और मन एक हो जाए। इससे हमारी ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियां प्रभावित हो रही हैं, यानी सूर्य स्वर और चंद्र स्वर। संपूर्ण शरीर को समान रूप से प्राण शक्ति मिल रही है। मन की चंचलता नियंत्रित, उद्वेलित भावनाएं शांत हो रही हैं। दीपिका जी, शगुप्ता जी, बहुत सुंदर प्रयास। शरीर स्थिर है, हम श्वासों से साधना कर रहे हैं, मन की साधना कर रहे हैं, इसीलिए आसन पहले करवाए जाते हैं ताकि हम स्थिर बैठकर बिना हिलडुल के प्राणायाम की साधना कर सकें। वही प्राण शक्ति अमर्जित कर रहे हैं जिससे हमारा शरीर चलता है, हमारी कर्मेंद्रियां कार्य करती हैं, शरीर को शक्ति और ऊर्जा मिलती है। किसी भी स्थिति में हो, हर एक के लिए बहुत उपयोगी प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाईं ओर से श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं, श्वासों को सामान्य करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम से होने वाले प्रभाव को महसूस करें। मन शांत हुआ, उज्जयी प्राणायाम के लिए स्थिति बनाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, जीवा को पलटकर तालू से लगाएं, मूल बंद लगा लें और पेट का संकोचन करें, नाभि का संकोचन करें और गर्दन को हल्का सा नीचे झुकाकर कंठ पर दबाव बना लें। अब श्वास भरते और श्वास छोड़ते समय मधुर खर्राटे की ध्वनि करें। ध्वनि मधुर हो, करते जाएं
उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास। हमारा श्वास हृदय से कंठ तक, कंठ से हृदय तक चलता है। आर्टरीज को प्राण शक्ति मिलती है, हृदय फेफड़े पुष्ट हो रहे हैं, कंठ की सभी नस नाड़ियां सशक्त बन रही हैं। विशेष तौर से हमारा थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि प्रभाव में आती है, बहुत सुंदर प्रभाव। उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास आप कर रहे हैं। प्राणों पर जय प्राप्त करने वाला, जैसा इसका नाम है उज्जयी प्राणायाम, प्राणों पर जय प्राप्त करने वाला प्राणायाम। वापिस आए, दोनों हथेलियों से कंठ की मसाज कर लें दोनों तरफ से। कुछ क्षण शांत बैठे, श्वासों को सामान्य कर लें। कपाल भांति प्राणायाम के लिए स्थिति बनाएं। दोनों हाथों को पहले ज्ञान मुद्रा में रखें और फिर हथेलियों को पलटकर घुटने पकड़ लें, चिन्ह मुद्रा बना लें। चिन्ह मुद्रा बनाने से हमारे शरीर का निचला भाग बहुत सुंदर तरीके से प्रभाव में आता है। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, शरीर हमारा स्थिर हो। कपाल भांति प्राणायाम के लिए पहले श्वास को भरें और छोड़ दें। अब नासिका द्वारा गहरा श्वास भरें, लगाएं मूलबन और शक्ति द्वारा श्वास को बाहर फेंकें। दो आवृत्तियों के बीच में अंतराल रखें ताकि स्वाभाविक रूप से श्वास अंदर जाए और श्वास फेंकने की अंत तक शक्ति बनी रहे। भरना नहीं है श्वास आपको, ध्यान रखें, विशेष ध्यान रखें। विसर्जन अंगों का संकोचन कर मूलबन लगाएं और नाभि को अंदर की ओर संकुचित करके रखें। हर बार नाभि का संकोचन करते रहें, करते जाएं कपाल भांति प्राणायाम का अभ्यास, सामान्य शक्ति सामान्य गति का प्रयोग करते हुए। जो बिगनर्स हैं योग में, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, वो अपनी क्षमता अनुसार करें। सभी अपनी क्षमता अनुसार हर क्रिया, हर प्राणायाम को क्या करें, और धीरे धीरे हमें अपने अभ्यास के द्वारा अपनी क्षमता को बढ़ाना है, अपनी साधना को बढ़ाना है। 20 बार करें, 25 बार करें या 50 बार, क्षमता सबकी अलग अलग है। जैसे ही थकान होने लगे या श्वास को फेंकने की आपकी गति कम हो जाए, वहीं पर रुककर कुछ क्षण विश्राम करें। एक दो गहरे लंबे श्वास लें, फिर से श्वास भरें दूसरी आवृत्ति के लिए और कपाल भांति का प्राणायाम का अभ्यास करते जाएं। संपूर्ण शरीर का शुद्धिकरण, इसीलिए इसको शुद्धि क्रियाओं में भी गिना जाता है। हृदय, फेफड़े और विशेष तौर से हमारा मस्तिष्क प्रभाव में आता है। मस्तिष्क की कोशिकाएं प्रभाव में आ रही हैं। स्मरण शक्ति तीव्र होती है, मन एकाग्र होता है। करते जाएं कपाल भांति प्राणायाम का अभ्यास। अंत में अधिकाधिक श्वास को छोड़ें, नाभि मूल रीढ़ से लगाएं, मूल बंद पहले से लगा हुआ है, उद्यान बंद लगा हुआ है, कंठ को नीचे झुकाकर जलंधर बंद भी लगा लें। आ जाएं त्रिबंद की स्थिति में, महाबंद की स्थिति, तीनों बंद लगे हुए, बाह्य कुंभक में त्रिबंद की स्थिति। रुकें कुछ क्षण, लाभ उठाएं महाबंद का। तीनों हमारे शरीर में नाड़ियों के संगम स्थल है, तीनों स्थान की हमारी नाड़ियां प्रभाव में आती हैं। पहले पेट को ढीला छोड़ें, गर्दन को सीधा करें और अंत में मूल बंद खोलते हुए वापस आ जाएं। अब श्वास भरें और भरे हुए श्वास में आधे समय के लिए त्रिबंध लगाएं।
क्रमानुसार बंद खोलते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। कपाल भांति प्राणायाम के प्रभाव को अपने अंदर महसूस करें। संपूर्ण शरीर का शुद्धिकरण हुआ, मन शांत हुआ, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे अंदर बढ़ने लगती है योग साधना करने से। मन प्रसन्न रहता है हर समय। भ्रामरी प्राणायाम के लिए स्थिति बनाएं। प्राणायाम का अंतिम दोनों अंगूठे कानों में छिद्रों में लगाएं। दो उंगलियां आंखों के ऊपर नीचे, शेष दो उंगलियां मुख के ऊपर नीचे रखें। कोहनियों को दौड़ा दाएं बाएं फैला लें ताकि रीढ़ हमारी सीधी हो जाए। अब श्वास भरें और श्वास छोड़ते समय मधुर भवरे की गुंजन करें। शांत हो जाएं, वापस आएं, श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आकर शांत होकर बैठ जाएं। योग साधना का अंतिम चरण ध्यान। पैरों में थकान होगी हो तो टांगों को सीधा करें, फिर से ध्यान की स्थिति में आ जाएं। प्रण पद्मासन में या सुखासन में बैठें ताकि मन बिल्कुल विचलित ना हो। बिल्कुल शांत मन हुआ हमारा प्राणायाम से। आंखें बंद। ध्यान की अनेकों विधियां हैं, परंतु संस्थान के द्वारा बहुत सरल विधि अगर नियमित रूप से हम करते हैं तो सारा जीवन का तनाव दूर होने लगता है, मन शांत होने लगता है। ध्यान के लिए बैठें दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी। कुछ क्षण के लिए परमपिता परमात्मा का ध्यान करेंगे। ओम की मध्यम ध्वनि दो बार सुने, तत्पश्चात साथ में सम्मिलित हो जाएं। ओम 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 शांत। ओम की ध्वनियों से वातावरण शुद्ध हुआ, मन एकाग्र हुआ। ओम का मानसिक जप करें, अजप अजप चलता रहे। ओम मय हो जाएं, उस दिव्य शक्ति को, उस परमात्मा की शक्ति को अपने अंदर अपने बाहर महसूस करें जो हर समय हमारे साथ है, हमारी रक्षा कर रहा है। श्वासों पर ध्यान, आते जाते श्वासों को देखें, महसूस करें श्वासों को अंदर जाता हुआ, बाहर आता हुआ। परमपिता परमात्मा की अमूल्य देन हमारे श्वास। धीरे धीरे मन विचार शून्य हो रहा है, मन शांत हो चुका है। इस शांत स्थिति में उस दिव्य शक्ति को महसूस करें, उस आनंद को महसूस करें जो इस समय आपको प्राप्त हो रहा है। मन में उठने वाले विचारों को देखें, चलने दे विचारों को चलचित्र की भांति। रोकने का तनिक भी प्रयास ना करें। धीरे धीरे मन विचार शून्य हो रहा है और विचार शून्य हो रहा है। अब ना कोई मन में विचार है, ना कोई इच्छा है।
ना कुछ चाहिए ना कुछ करना है। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, विचार करें इस पर। ओम तेरे नाम पर सारा जगत बलिहार है, ओम है कर्ता विधाता, ओम पालन भार है, ओम तेरे नाम पर सारा जगत अलिहार है, ओम है कर्ता विधाता, ओम पालनहार है, सूर्य में वही चमकता, चंद्रमा में है दमकता, सूर्य में वही चमकता, चंद्रमा में दमकता, नील गगन में है समाया, तारा गण का हार है, ओम तेरे नाम पर सारा जगत बलिहार है, ओम है कर्ता विधाता, ओम पालन भार है, ओम पालन भार, ओम पालन भार। एक बार ओम की लंबी ध्वनि करें, तत्पश्चात शांति पाठ, गहरा श्वास भरें, ओम। ओम देव शांति, अंतरिक्ष गुण शांति, पृथ्वी शांति, राप शांति, रोषदया शांति, वनस्पतया शांति, विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधि, ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को रगड़े, इस तेज को, इस ऊर्जा को इस समय प्राप्त मुखमंडल पर धन्यवाद करें, छोड़ो वो जो किया नहीं।